पुरातन शिव मंदिर अंबरनाथ हर साल की तरह आज 23 साल हुआ हिंदू धर्म संवर्धन महोत्सव चालू है और इस 23 साल में बड़े बड़े महात्मा आते हैं। भंडारा डेली 1 बजे से 5 बजे तक हजारों लोग उसका फायदा ले रहे हैं। सामाजिक कार्य ये भी अच्छे से सब चल रहा है। अभी 26 तारीख को जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी जी दक्षिण पीठ के आ रहे हैं। सुबह को उनका कार्यक्रम 10 बजे चालू होएगा, 10 से 5:30-6 बजे तक उनका कार्यक्रम चालू रहेगा। सभी भक्तगण इस कार्यक्रम में आएंगे और सभी लोग उसका फायदा उठाएंगे। इतने ही मैं हाथ जोड़ के विनंती सबको कर रहा हूँ। मुख्य अतिथि अभी मैं किन किन का नाम लूँ, बहुत सारे जन को हमने निमंत्रण किया है, उसमें कोई भी पार्टी स्वीट नहीं है। किसी भी पक्ष का होवे हमने अब पत्रिके में सबका ही नाम डाला है और सबको निमंत्रण पहुंचा दिया है। अभी जिसकी जिसकी श्रद्धा होएगी वो ज़रूर आएगा और जो कार्यक्रम में आए गए, हिंदू धर्म का कार्यक्रम सनातनी को आना ही चाहिए और सारे भक्तगण को हाथ जोड़ के विनती है कि ये कार्यक्रम में सनातन लोगों ने आना ही चाहिए, क्योंकि आज जो अपने हिंदू धर्म के ऊपर जो भी अत्याचार होता है उसका जवाब देने के लिए स्वामी जी रामानंदाचार्य है हिंदुओं के लिए। ज़रूर आपको अच्छे से आशीर्वाद भी देंगे और कुछ बातें आपको समझाएंगे भी कि हमको किस तरीके से जागरूक होना चाहिए और वो जागरूकता लाने के लिए ही ये कार्यक्रम रखा है। अभी जिस दिन स्वामी जी आने वाले हैं, जो मान्यवर आने वाले हैं, मान्यवर के हाथों से जो स्कूल गरीब स्कूल है उनको अपन दो दो करके 10 कंप्यूटर दे रहे हैं, 3 कूलर दे रहे हैं 100 लीटर के स्टील के जो आते भरे, और 3 अपंगों के लिए बैटरी वाली गाड़ी दे रहे हैं, जो बाइक आती है बैटरी वाली, वो ऐसे 3 गाड़ियाँ वो दे रहे हैं कि समाज के लिए भी हम कुछ कर रहे, गरीब बच्चों को उसका फायदा होवे इसके लिए ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। और यही कार्यक्रम हमें स्वामी जी ने, नरेंद्राचार्य महाराज जी ने बताया है कि हम जब आएंगे तो गरीबों के लिए भी कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए, इसी हिसाब से हम लोग ये सब कर रहे हैं। उसके बाद में श्री राम किशोर शरण महाराज अयोध्या के है, वहाँ अगस्त में 29, 30, 31 ऐसे 3 दिन उनका कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद में 1 दिन का कार्यक्रम एक भस्म का रहता है, शिव का भस्म, तो वो 1 तारीख को शुरू होने वाला है शाम को 6 बजे। और ये कार्यक्रम का समाप्ति 2 तारीख को सोमवार को होने वाला है। हवन होएगा, हवन सुबह से हवन चालू रहेगा, दोपहर को 2 बजे उसकी आहुति होएगी और ये कार्यक्रम का समाप्ति हो जाएगा 2 तारीख को। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।